हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूचर में आपका फिर से वेलकम है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में, हाँ जी, अपना पॉइंट स्टार्ट हुआ था वो क्या था, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो चुका आपको, कार्बोनिक ग्रुप की स्ट्रक्चर हो चुकी है, तीन पॉइंट हो चुके हैं। अब जो अगला पॉइंट अपना चलता है वो क्या चलता है, हाँ जी, सिंथेसिस मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ चल रही हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ हैं उनका पूरा फॉर्मेट देखने वाले हैं, फिर हम वन बाय वन कर करके रिएक्शन फड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन कर रहे हैं अर्थात जो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ हैं उनको हम तीन भागों में डिवाइडेड कर रहे हैं। पहले भाग सुन आप, आज हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ जी, दोनों सम्मिलित रूप से बनाई जा सके। ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिन रिएक्शन में, हाँ जी, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी होता हो और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे तो ए पॉइंट बन जाएगा आपका, और जो बी पॉइंट बनता है आपका कौन सा बनता है, ओनली प्रिपरेशन कीटोन। अर्थात कीटोन बनाने की विधियाँ देखेंगे। ठीक है, पहले ऐसी रिएक्शन पड़ेगी जिसमें सिर्फ कीटोन बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं, तीसरा पॉइंट जो है अपना, हाँ जी, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन, अर्थात एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। ऐसी रिएक्शन पड़ेंगे जिनमें ओनली फॉर एल्डिहाइड ही बनाया जाता है, कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो तीन भागों मान सकते हैं हम ऐसी रिएक्शन, या बोथ आर एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन, नंबर एक हो गया। फिर नंबर दो क्या हो गया, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट नंबर तीन क्या हो गया आपका, हाँ जी, ओनली कीटोन प्रिपरेशन। ठीक है, तो तीन भागों में इसको डिवाइडेड कर रहे हैं, और जो फॉर्मेट लिख रहे हैं आपके सामने बेटा उनको याद रख लेना। फॉर्मेट याद हो गया तो फिर आप जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे वन बाय वन कर करके रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चैप्टर हो, ठीक है, बनाने की विधि हो, चाहे आपके रासायनिक गुणधर्म हो, किन किन के साथ रिएक्शन करता है, यदि इनका फॉर्मेट याद है तो आपको लेसन जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो अपना आता है नंबर ए आता है बेटा, नंबर ए देख लीजिएगा, बोथ आर या बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाँ जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं, क्या नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोनों की सम्मिलित रिएक्शन, हाँ जी, कौन कौन सी होंगी, नंबर एक देख लीजिएगा, हाँ जी, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल्कोहल, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का यदि ऑक्सीडन कर दें बेटा, यदि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, तो एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें रिएक्शन पहली देखिए बेटा, इसमें भी रिएक्शन पहली, हाँ जी, किसके साथ करवा सकते हैं आप, K2Cr2O7 ले सकते हैं बेटा, या फिर क्या ले सकते हैं आप, KMnO4 ले सकते हैं। ओके, नंबर दो देख लीजिएगा, हाँ जी, आप क्या ले सकते हैं, PCC का नाम सुना होगा बेटा, PCC रिजेंट ले सकते हैं, या फिर नंबर तीन पे क्या ले सकते हैं बेटा आप, जोन्स रिजेंट भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं, जोन्स रिजेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर तीन देख लीजिएगा, ओपेन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा, ओपे, हाँ जी, नॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ जी, तो हम यदि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दे बेटा तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। उसमें से हम देख लीजिएगा तीन रिएक्शन है, K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंसी में PCC ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं आप, हाँ जी, जोन्स रिजेंट ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिर एक रिएक्शन हो रहा है कि इसमें कौन सी, ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आने वाली है। ठीक है, तो इसमें कितनी रिएक्शन हुई, हाँ जी, तीन। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा बेटा, नंबर दो कौन सी है, हाँ जी, बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन के ओजोनी अपगठन द्वारा भी आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी रिएक्शन, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। ठीक है, नंबर तीन देखिएगा, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन एल्काइन के जल अपगठन द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, नंबर चार क्या, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीजन द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, हाँ जी, क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम एल्केनोएट
या फिर बेटा फॉर्मेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फॉर्मेट। हाँ जी, आपको तुरंत पता चलेगा जब हम वन बाई वन कर करके एक एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं तो क्या नाम हो गया, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइट या फॉर्मेट। हाँ जी, एल्केनोइट के क्या ले सकते हैं? फॉर्मेट ले सकते हैं, ठीक है। बल्कि धातु ये रहेगी आपकी कैल्शियम, ओके। हाँ जी, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब बताएगा शुष्क आसवन, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा बेटा नंबर 6 रिएक्शन। हाँ जी, बाई नाइट्रो एल्केन, बाई नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन के द्वारा, अर्थात जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें कौन से बेटा, नेप रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे आप? नेप रिएक्शन, ओके। हाँ जी, ये जो रिएक्शन होगी बेटे अपनी कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ जी, बोथ आर एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की संपूर्ण, इन सब में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होने वाला है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका जो बी पॉइंट बनता है, क्या बनता है? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट और देख लीजिएगा क्या, ओनली क्या लिखेंगे आप, ओनली, हाँ जी, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, हाँ जी, ओनली, हाँ जी, एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ पढ़ने वाले हैं। तो नंबर एक देखिएगा बेटा, इसमें नंबर एक कौन सी है? इसमें नंबर एक, ओके। तो नंबर एक का बेटा वो कौन सी है? हाँ जी, नंबर एक में क्या, बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। यदि एसिड क्लोराइड का क्या कर दे बेटा आप, रिडक्शन कर दे, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अर्थात इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाएगा? रोजेन मुंड रिडक्शन। किस नाम से? रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इस नाम से इसको जाना जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा नंबर दो। हाँ जी, बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन ऑफ, हाँ जी, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। अर्थात इसको भी किस नाम से जाना जाएगा? हाँ जी, स्टीफन रिएक्शन के नाम से। किस नाम से पहचाना जाएगा? स्टीफन रिएक्शन नाम से इसको जाना जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा बेटा नंबर तीन, नंबर तीन में लिखेंगे आप क्या, इटार्ड रिएक्शन का नाम सुना होगा। हाँ जी, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया द्वारा। फिर नेक्स्ट नंबर चार देख लीजिएगा, बाई बाई टोलुइन या फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम टोलुइन, फ्रॉम टोलुइन। हाँ जी, और नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए बेटा नंबर आपकी कौन सी, हाँ जी, पाँच। हाँ जी, गाटरमान नाम सुना होगा बेटा, फेमस नाम है गाटरमान, गाटरमान कॉच, गाटरमान कॉच एल्डिहाइड रिएक्शन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी बेटा अपनी कौन सी, जिनमें सिर्फ हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर देखिएगा आपका कौन सा, सी पॉइंट, और सी पॉइंट में क्या लिखेंगे, ओनली कीटोन प्रिपरेशन, ओनली कीटोन प्रिपरेशन, ओनली फॉर कीटोन बनाने की विधियां, ओके। हाँ जी, इसमें सिर्फ दो ही रिएक्शन पढ़ेंगे आप। हाँ जी, कैडमियम क्लोराइड द्वारा, किसके द्वारा, तो लिख सकते हैं बाई कैडमियम क्लोराइड, बाई कैडमियम क्लोराइड, ओके। नंबर दो देख लीजिएगा बेटा, हाँ जी, जी आर, किसके द्वारा, जी आर, ठीक है। और ये ध्यान रखना, हाँ जी, इसमें यदि लिखना चाहें आप, ठीक है, कितने नंबर पे, सात नंबर पे, हाँ जी, जी आर द्वारा, हाँ जी, भी इसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हालांकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टोटल अपना क्या बन गया बेटा, प्रारूप बन चुका। अब आप इनको एक 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 करके देख सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन के द्वारा हम ओनली फॉर कीटोन या फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार बेटा, ये ले बेटा, अब आराम से आप देख सकते हैं इसको, ये अब ठीक रहेगा बेटा आपका, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम वन बाई वन कर करके रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले दोबारा मैं बता दूं आपको, जो ये प्रारूप है, हाँ जी, वो आपको याद रखना है, रखना है। यदि ये प्रारूप याद हो गया तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ पढ़ चुके होंगे या जल्दी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन। हाँ जी, ऐसी रिएक्शन है बेटा ये, जिनमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अकेले का नहीं हो सकता। हाँ जी, तो इसमें नंबर एक क्या लिखा पड़े, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यदि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दे और इनकी प्रेजेंसी में कर दे तो, हाँ जी, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम तीन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छी रिएक्शन है।
नंबर दो देखिएगा बेटा, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, हाँ जी एल्किन के ओजोन विघटन द्वारा, और ये रिएक्शन बेटा कंपटीशन में भी आती है और आपके इलेवंथ किताब जो इलेवंथ बुक्स हैं आपकी उसमें भी छाप रखी है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, तो एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। नेक्स्ट नंबर तीन देखिएगा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, यदि एल्काइन का जल अपघटन कर दें तो हाँ जी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और ये रिएक्शन हमने एल्कोहल वाले में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या था, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, यदि एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कर दें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्या था, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्कोनेट या कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी कैल्शियम एल्कोनेट या कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा, और ये भी कंपटीशन में आ चुका है और ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है रिएक्शन, बड़ी प्यारी रिएक्शन बेटा, हाँ जी बाई नाइट्रो एल्केन, हाँ जी नाइट्रो एल्केन के द्वारा भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये किस नाम से जानी जाएगी रिएक्शन, नेप रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी, नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट जो बी पॉइंट बनता है आपका कौन सा, हाँ जी ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन, हाँ जी अब ऐसे रिएक्शन पढ़ने वाले हम जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाँ जी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है कीटोन का नहीं, ठीक है, तो ये चार पाँच रिएक्शन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बाई रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, यदि एसिड क्लोराइड रिडक्शन करवा रहे हैं आप रोजेन मुंड रिडक अपचयन अभिक्रमक के द्वारा, तो ये किस नाम से जानी जाएगी, रोजेन मुंड रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। नंबर दो, हाँ जी बाई रिडक्शन ऑफ एल्किल नाइट्राइल, यदि एल्किल नाइट्राइल का आप रिडक्शन करवा दें स्टीफन अभिक्रमक द्वारा, तो किस नाम से जानी जाएगी रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी, और इस नाम से ही बड़ी फेमस है बेटा, इसी नाम से बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन है, ये आपके आरबीएससी में गिवन नहीं है लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन के द्वारा, टोलुइन का हेलोजनीकरण करवाना है, फिर आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा, कौन सी, गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन, इन रिएक्शन के द्वारा हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या था, हाँ जी ओनली कीटोन प्रिपरेशन, ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है, तो दो रिएक्शन बेटा कौन सी, बाय कैडमियम क्लोराइड और नंबर दो जीआर द्वारा, ठीक है, तो जीआर और हाँ जी कैडमियम क्लोराइड द्वारा हम कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टोटल अपना फॉर्मेट हो गया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण किया जा सकता है, अकेले कीटोन का भी कर सकते हैं, अकेले एल्डिहाइड का कर सकते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अपना जो फॉर्मेट था वो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, आज इन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, वन बाय वन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट जो अपना आता है, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन, ए पॉइंट, और जो ए पॉइंट था वो क्या था आपका, हाँ जी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इसमें जो नंबर एक पढ़ा था आपने, हाँ जी बेटा वो क्या था, हाँ जी जो नंबर एक था वो क्या था, फ्रॉम, हाँ जी या फिर क्या लिख सकते हैं आप, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, तो जो नंबर ए पॉइंट था बेटा वो क्या था, बोथ हाँ जी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड कीटोन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, हाँ जी एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ जी दोनों की सम्मिलित रिएक्शन, इसमें बेटा हमने नंबर एक पढ़ा था कौन सा, हाँ जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाँ जी क्या, एल्कोहल, यदि आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें, ठीक है, तो हाँ जी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे, तो नंबर एक इसमें भी क्या पढ़ा था आपका, नंबर एक क्या था, हाँ जी किसके द्वारा, K2Cr2O7 या फिर क्या ले सकते हैं आप, KMnO4 ले सकते हैं, ओके, तो ये याद रखेंगे बेटा जो दोनों के दोनों हैं कौन, हाँ जी एसिडिक नेचर का कौन है, K2Cr2O7, और यहाँ पे बेसिक नेचर का कौन है, KMnO4, हाँ जी ये दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं,
ठीक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये बेटा एल्कोलों को किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में। ये याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके द्वारा हम बढ़िया तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण एल्कोलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों तक क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत। तो एल्डिहाइड कीटोन तो बीच में रहेगी बेटा, देखो कैसे, इतना याद रखना है, ये दोनों के दोनों बेटा है क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, थोके वहां में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो एल्कोल किस में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और जो बीच में बनेंगे वो कौन बनेंगे, आपके एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो बेस्ट विधि नहीं हुई, इसलिए बेस्ट विधि जो आएगी अपनी कौन सी आएगी, एक तो ओपनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जोन्स रिजेंट है और आपकी पीसीसी है, ठीक है। तो जैसे आपने क्या लिखा बेटा, एल्कोल लिखा, और एल्कोल में क्या ले लूँ मैं, जैसे ले लिया मैंने CH3OH ले लिया बेटा, हाँ जी, ये कौन है, मेथिल, ये मेथिनोल है, और मेथिल एल्कोल का ऑक्सीडेशन करवाने इनकी प्रेजेंसी में, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, आसान है क्या, यहाँ से OH एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, तो बाहर क्या हो गया H2, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, तो बेटा क्या बच गया आपका, सीधा सीधा दिख रहा है HCHO बच गया ना, क्या कहा हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला बेटा, एक OH यहाँ से निकाला, तो बाहर तो क्या हो गया H2। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन बच गए, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दो, तो क्या बच गया आपका HCHO, या फिर इसको कैसे लिख सकते थे बेटा आप, CH2 फॉर्मुलेट है। अब देखो फॉर्मुलेट बन गया, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुकने वाला, बड़ा खतरनाक होता है कौन, K2Ca2O7O4, रुकेगा नहीं, अब भी क्या देगा इसको, ऑक्सीजन प्रदान करने वाला है बेटा, रुकेगा नहीं, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट, यदि आप जैसे 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे बेटा, क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या था बेटा आपका सुपर डिग्री एल्कोहल था, और ये क्या था आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका भी इनकी प्रेजेंसी में क्या करवा रहे बेटा, आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, सेमिसी की तरह करना, OH, और यहाँ से क्या निकाला आपने H, तो बेटा बाहर क्या हो गया आपका H2O, ठीक है। तो यहाँ पे CH बचाना, एक ऑक्सीजन और डाल दो, तो क्या बन गया CH3CHO। आज एल्डिहाइड तो बन चुका है, लेकिन ये इसका पहचान नहीं छोड़ेगा, कब तक नहीं छोड़ेगा इसको, जब तक ये पूर्ण रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत ना हो जाए। तो क्या लिखेंगे आप, CH3COOH, हाँ जी, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे हम क्या ले ले, नंबर 3 रिएक्शन जो है अपनी, वो 2 डिग्री एल्कोहल ले ले बेटा, क्या ले ले, 2 डिग्री एल्कोहल ले ले, फिर इसका क्या करवा रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से OH बेटा, यहाँ से H, तो बाहर क्या हो गया H2, ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन, क्या बना बेटा आपका कीटोन, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन एसीटोन के बाद में इसका पुनः क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा, क्यों होगा पुनः ऑक्सीडेशन, बल्कि हमें तो क्या चाहिए थे, हाँ जी, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन वगैरह चाहिए थे, लेकिन यहाँ तक तो रुकी नहीं रही, रिएक्शन तो आगे भाग रही है, क्यों भाग रही है, रीजन ये सब है, क्योंकि प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो कैसे रिएक्शन करना है बेटा, यहाँ से बोन तोड़ना आपको, ओके, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी था, चाहे जितने ऑक्सीजन दे सकते हैं बेटा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, एक हाइड्रोजन इसको दूं बेटा तो एच, एक ऑक्सीजन और दे दो ये वाला, तो ये क्या बन गया CH3COOH, दो हाइड्रोजन बचे ना, हाँ जी, इसको दो ऑक्सीजन और दे दो, तो क्या लिखेंगे यहाँ CH3COOH प्लस HCOOH, इस प्रकार से ये रिएक्शन अपनी होती है, कर सकते हैं। अब यदि आप 3 डिग्री एल्कोहल ले ले बेटा, कितना डिग्री, 3 डिग्री, तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या क्विस्ट आने वाला है, हाँ जी, वेट करिएगा, ये आपका कौन है, 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका भी क्या करवा रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं बेटा, तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकले H, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, हाँ जी, एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, पता चल गया वाला, और ये रिएक्शन हमने बहुत बार करवा दिया, किस प्रकार से रिएक्शन की है पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो बाहर क्या हो गया बेटा H2, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या लिखेंगे आप CH3, फिर क्या लिखूँ CH3 डबल बॉन्ड, और क्या लिखूँ CH2, हाँ जी, ये भी नहीं रुकेगा, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ओके, हाँ जी, एक ऑक्सीजन इसको दे दो बेटा, कीटोन बनता है, देखो CH3COOH, कीटोन बनता है ना, इसको दो ऑक्सीजन दो, तो ये तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड, और बाहर निकल गया, तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हो गया, हाँ जी, एसीटोन का प्रिपरेशन हो गया है, लेकिन अब ऑक्सीडेशन जो है इसका भी आगे होने वाला है, ये भी नहीं रुकेगा, तो ये एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ये दो चीज़ें बनती हैं, तो क्या लिखेंगे आप CH3COOH प्लस, क्या लिखूँ HCOOH,
एच। ये रिएक्शन होगी अपनी पहली वाली। हम चाह रहे थे क्या एल्डिहाइड कीटोन बनाना, लेकिन सब बन क्या रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हालांकि इसको पढ़ना अनिवार्य था क्योंकि इन रिएक्शन में भी हाँ जी फॉर्मेलाइड एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है प्रिपरेशन होता है। तो हम यदि एल्कोलों का ऑक्सीडेशन करवा दें K2Ca2O7 या केमेनोफोर की प्रेजेंसी में, ठीक है, तो एल्डिहाइड तो बनेंगे लेकिन कुछ क्षण के लिए बनेंगे, इनका आगे क्या हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों में। अब हम कह सकते हैं यदि आप K2Ca2O7 या केमेनोफोर की प्रेजेंसी में एल्कोल का ऑक्सीडेशन करवा कर हाँ जी एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करना चाहते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की अच्छी विधि नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनके साथ साथ में किसका फॉर्मेशन होता है हाँ जी कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मेशन होता है, बल्कि हमें तो क्या चाहिए था एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए था, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो आपने पढ़ी है वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो एल्कोल है बेटा वो कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रबल क्या है ऑक्सीकारक है। कब तक एल्कोल को नहीं छोड़ेंगे? जब तक एल्कोल पूर्ण रूप से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत ना हो जाए, कर सकते हैं। तो ये प्यारी विधि नहीं थी, हालांकि इसको पढ़ना जरूरी था, कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अगली रिएक्शन आती है वो देख लीजिएगा। तो इनके जगह आप कौन सा काम में ले सकते हैं? या तो जोन्स रिजेंट काम ले सकते हैं बेटा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, या फिर क्या ले सकते हैं आप PCC ले सकते हैं, प्रीडिनियम क्लोराइड आयन, कर सकते हैं। अब देखिएगा या प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, जो कि आपका PCC है वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाँ जी एल्कोल को क्या करता है हाँ जी एल्डिहाइड या कीटोन में ही ऑक्सीकृत करता है, इनके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, रिएक्शन नंबर 2 थी हाँ जी एल्कोल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप PCC के द्वारा। किसके द्वारा कराएंगे बेटा? PCC के द्वारा। तो देखिएगा हाँ जी हम लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर 2 बाई ऑक्सीडेशन ऑफ PCC, ये लिख सकते हैं बाई हाँ जी ऑक्सीडेशन हाँ जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ PCC, या फिर क्या ले सकते हैं बेटा आप जोन्स रिजेंट, क्या ले सकते हैं आप जोन्स रिजेंट, दोनों को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले जो PCC है बेटा कौन PCC है, PCC का नाम देख लीजिएगा क्या है, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट है बेटा, क्लोरोक्रोमेट है, ओके हाँ जी। अब यदि इसका फॉर्मूला आप जनरेट करना चाहें तो पिरीडिन के साथ में हाँ जी पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया होगा ना, तो क्या लिखेंगे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तो आपका कौन है पिरीडिन है बेटा, यहाँ पे यदि आप क्या जोड़ दें हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या बन गया पिरीडिनियम आयन, ठीक है, और यहाँ पे बेटा कौन सा चार्ज दे सकते हैं प्लस चार्ज, बन गया पिरीडिनियम हाँ जी क्लोरोक्रोमेट, तो क्या लिखेंगे Cl- CrO3, ये कौन आपका PCC है बेटा, कौन है PCC, इसको कैसे लिख सकते हैं हम हाँ जी C6H5N ओके प्लस क्या लिख सकते हैं आप HCl प्लस क्या लिखूँ CrO3, ये भी कौन आपका पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट है, और कैसे लिख सकते हैं बेटा आप C6H5 क्या लिखूँ NH, कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज .Cl- .CrO3, ये भी कौन है बेटा आपका PCC है, यही है, कर सकते हैं हाँ जी। अब ये तो होगी कौन किसकी कहानी PCC की कहानी। अब बात करते हैं जोन्स रिजेंट की, तो क्या लिख सकते हैं आप क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड प्लस कंसनट्रेशन H2SO4 का मिश्रण क्या कहलाएगा आपका जोन्स रिजेंट कहलाता है, क्या कहलाता है जोन्स रिजेंट कहलाता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों दुर्बल ऑक्सीकारक हैं जो ओनली फॉर एल्कोल को किस में चेंज करते हैं हाँ जी एल्डिहाइड और कीटोनम क्या करते हैं ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी रिएक्शन की, ठीक है, कि किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, तो इतना याद रखना हाँ जी जो ये लोग हैं 1 डिग्री एल्कोल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और 2 डिग्री एल्कोल से कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की बेटा हाँ जी दोनों को एक साथ मिला के, ठीक है, तो देख लीजिएगा हमने क्या लिखा CH3 फिर क्या लिखूँ CH2O हाँ जी H है हाँ जी, इसका क्या करें आप PCC के द्वारा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो देखिएगा ये सिर्फ एक ऑक्सीजन दे रहे हैं तो बाहर तो क्या हो जाएगा H2O, तो बाहर तो क्या कर दो बेटा H2O, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा
CH3CHO का, तो 1 डिग्री एल्कोहल से, हाँ जी, किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब नंबर दो देखिएगा बेटा, अब नंबर दो में देखेंगे क्या लिखेंगे आप, CH3CH3 और यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे OH, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं बेटा, जॉन्स रिजेंट ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जॉन्स रिजेंट ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हाँ जी, H2 तो क्या होगा, बाहर होगा, एक ऑक्सीजन ये देने वाले हैं, तो क्या बनेगा CH3, फिर क्या लिखेंगे, हाँ जी, डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखा आपने CH3, एसीटोन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रकार से आप, हाँ जी, PCC और जोन्स रिजेंट द्वारा क्या कर सकते हैं, हाँ जी, एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होने वाला है, हाँ जी, एल्कोहल एल्डिहाइड या फिर कीटोनों में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, कर सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए, जो PCC है बेटा, कौन, PCC और जो जोन्स रिजेंट है, वो आपके क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, इनकी क्षमता है ओनली फॉर आज एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन तक ऑक्सीकृत करना, ठीक है। लेकिन इसकी जगह यदि आप गलती से बेटा कौन सा ले लेते, K2Cr2O7 या K1O4 ले लेते, तो वो इनको जिंदा नहीं छोड़ते, अर्थात मेरा कहने का मतलब, आज एल्कोहल को कहाँ तक पहुँचा देते, कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते, बल्कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, वो तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मेशन कैसे करें, ठीक है, तो उसमें काम आने वाला है। तो हम K2Cr2O7 की जगह, हाँ जी, कौन सा रिजेंट ले सकते हैं, PCC, और PCC का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हाँ जी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फॉर्मल लिख सकते हैं, ये हो गया पिरिडिनियम, हाँ जी, क्लोरोक्रोमेट। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं C6H5N, हाँ जी, ओके, फिर HCl+ है, HCl+ CrO3, इसके पास कौन है बेटा, लोन पेयर है ना, देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको ग्रहण कर सकता है, H+ को, ठीक है, तो ये प्लस यहाँ ले सकते हैं, नाइट्रोजन पे कौन आ गया, ये हाइड्रोजन आ चुका है, क्लोरीन है, माइनस है, वो प्लस अट्रैक्शन में रहेगी, तो ये इसके पास में रहेगा, .CrO3 यही है, बस ये इसमें जोड़ देंगे, तो कौन आपका, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट है। फिर नेक्स्ट कौन सा था, यही है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कौन सा, जॉन्स रिजेंट क्या कला है, कौन सा होता है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 का जो विलयन है बेटा, वो क्या कहलाता है आपका, जोन्स रिजेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, जोन्स रिजेंट कहलाता है। तो आप 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और यदि आप क्या ले रहे हैं, 2 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं बेटा, तो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं। और यदि आप सुपर डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं, तो हाँ जी, फॉर्मुलेट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मुलेट का फॉर्मेशन होता है। अब देख लीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में है कैसे क्वेश्चन आया हुआ आपका, हाँ जी, क्या होता है जब एल्कोहल के विक्रिया, क्या होता है जब एल्कोहल के विक्रिया इसकी उपस्थिति में इसके साथ करवाई जाती है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं। या फिर इनकी प्रेजेंसी में भी रह पूछ सकता है, हाँ जी, आप पीसीसी की या पीसीसी की उपस्थिति में एल्कोहल के विक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम कल के लेक्चर पढ़ेंगे कौन सी, ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके बाद में आगे पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।